subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छा हूँ फ्रेंड्स। आज मैं मैगी पकौड़ी की रेसिपी लेकर आया हूँ, तो आप मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको इसका प्रोसेस पता चल सके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है, उसमें 1.5 कप मैंने पानी डाल दिया है। पानी को फ्रेंड्स देखिए मैं बॉयल कर लूँगा। ये देखिए बॉयल आ गया है। अब मैं उसमें मैगी डाल रहा हूँ। मैगी को देखिए मैं तोड़ के डाल रहा हूँ, आप खड़ी भी डाल सकते हो, इसमें कोई खड़ी का मतलब नहीं है। ये देखिए मैं अपनी मैगी डाल दिया हूँ। अब मैं इसमें मैगी का मसाला डाल रहा हूँ, आप मसाला भी अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हो, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स इसको हम इसकी कवर कर देंगे लीड से, और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी पूरा सूख ना जाए मीडियम फ्लेम पे। देखिए फ्रेंड्स, पानी सूख गया है मैगी का, मैंने खोल लिया है और इसको एक बड़े से बाउल में निकाल ले रहा हूँ, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा जब तक कि ये पूरा ठंडा ना हो जाए। देखिए ठंडा हो गया था। ठंडा होने के बाद मैंने डाला है 1/2 कप इसमें चॉप किया हुआ अपना प्याज है। ये देखिए मैं 1/2 कप डाल रहा हूँ पत्ता गोभी चॉप किया हुआ। एक मैंने छोटी ले ली थी गाजर को चॉप कर लिए, और देखिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप लिया है शिमला मिर्च को चॉप कर लिया। आप फ्रेंड्स वेजिटेबल अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हो। और देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए चम्मच से तो मिक्स ना होने वाला है ये अच्छे से, तो इसको आप हाथ से ही अच्छे से मिक्स करिए, क्योंकि मैगी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। ये देखिए मैं इसको अब हाथ से मिक्स करूँगा। उससे पहले मैं इसमें डाल रहा हूँ 3 से 4 चम्मच करीब बेसन ऐड कर रहा हूँ। 1 चम्मच मैं यहाँ पे चावल का आटा डाल रहा हूँ, और देखिए थोड़ा सा सॉल्ट डाल रहा हूँ एज़ पर टेस्ट। क्यों? क्योंकि मैगी में भी मसाला रहता है, इस वजह से। 1 टीस्पून देखिए मैं यहाँ गर्म मसाला ऐड कर रहा हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगा। और मिक्स करते हुए देखिए अब हम इसका एक डो रेडी करेंगे अपनी पकौड़ी के लिए। तो अगर ये हार्ड लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल लीजिएगा, बट मैं अभी पानी नहीं डाल रहा हूँ। अभी देखिए मैं पहले ऐसे ही मिक्स करके देख रहा हूँ कि ये बॉन्डिंग बना रहा है कि नहीं। देखिए नहीं हुआ था, तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रहा हूँ, और एक अपने लिए पकौड़ी के लिए अच्छा सा बैटर रेडी कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बैटर देखिए ये रेडी हो गया है मेरा। अब देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा के तेल गर्म कर लिया था, और उसमें देखिए मीडियम फ्लेम पर मैं अपनी पकौड़ियों को गोल्डन ब्राउन होने तक तलूँगा। ये बहुत ही यम्मी पकौड़ी बनने वाली है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इसको धीरे धीरे थोड़े देर बाद चलाइएगा, नहीं तो ये टूट सकती है। देखिए इसको थोड़ा सा मिक्स करते हुए, अच्छे से हिलाते हुए इधर उधर इसको पलट लेंगे, और दोनों साइड से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए ये गोल्डन ब्राउन कलर हो गई है, और कितनी यम्मी लग रही है ये पकौड़ी। अब हम इसे फ्रेंड्स प्लेट में निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर, ताकि इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा टिश्यू पेपर। तो देखिए इसी तरह से हम अपनी फ्रेंड्स सारी पकौड़ी इसको पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कितनी यम्मी पकौड़ी ये बनके रेडी हुई है। ये देखिए मैंने अभी फर्स्ट बैच निकाल लिया है। इसी तरह से हम अपनी सारी पकौड़ी इसको रेडी कर लेंगे, और ये गर्मा गर्म मैगी की पकौड़ी हमारी रेडी है। आप इसको इंजॉय करिए, चाहे सुबह के नाश्ते में या कभी भी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे ऑल। बाय बाय।